डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ, हिस्ट्री चैप्टर थर्ड, पार्ट फोर्थ है ये, द नाजी वर्ल्ड व्यू। ये नाजियों का संसार का दृष्टिकोण, वो इसका ये हेडिंग है कि ये जो क्राइम्स थे जो नाजी लोगों ने कमिटेड वर लिंक टू ए सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड ए सेट ऑफ प्रैक्टिस। तो इन्होंने है ना जो नाजियों के द्वारा जितने भी है ना पाप किए गए थे और लोगों का जो विश्वास था उसको इन्होंने है ना उसके विश्वास से जुड़ गए थे, तो उसको है ना ये अभ्यास में लाए। मतलब इन्होंने है ना बहुत ज़्यादा जब सत्ता इनके हाथ में आ गई तो नाजियों ने है ना अपने क्राइम है ना वो बढ़ा दिए। और नाजी जो आइडियोलॉजी थी, जो नाजी विचारधारा थी, वो सिनोनिम्स विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू, वो हिटलर के है ना वर्ल्ड व्यू को है ना बताती है। उसके हिसाब से देर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल, उसके हिसाब से हिटलर के हिसाब से कि लोगों के बीच में कोई समानता नहीं थी और न केवल एक रेशियल हियार्ची, केवल एक जाति है ना हियार्ची है उत्तराधिकार, मतलब एक जाति है ना संबंध है ना उसने माना था, लेकिन वैसे वो है ना लोगों को समान नहीं मांगता था। इस व्यू के तहत जो ब्लॉन्ड और ब्लू आइट, जो नीली आँखों वाले नॉर्डल जर्मन्ट आर्यंस थे, उनको उसने टॉप माना था। जो ब्लॉन्ड थे भूरे और ब्लू आइट नीली आँखों वाले जो नॉर्डल जर्मन्ट आर्यंस थे वो उसको ना उसके हिसाब से टॉप थे, जबकि जो ज्यूज थे यहूदी थे वो लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग, उनको उसने निम्न कैटेगरी माना था। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस, और उनको है ना एक एंटी रेस के रूप में उसने सम्मानित किया था। द आर्च एनिमीज ऑफ द आर्यंस, इस प्रकार उन्होंने आर्यों के है ना एनिमीज के रूप में उनको माना। ऑल अदर जो कलर्ड पीपल, और दूसरे जो रंग बिरंगे लोग थे, बट प्लेस इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स, जिनका है ना एक अतिरिक्त है ना फीचर्स था। हिटलर्स रेसेज बोरोड फ्रॉम द थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन। तो हिटलर्स है ना वो रेसिज्म को, जो जातिवाद को, चार्ल्स डार्विन और जो हार्वर्ड स्पेंसर था उसके समान है ना ये जो विचारक थे उनके समान वो इनको है ना उधार के रूप में है ना मानता था। डार्विन वाज ए नेचुरल साइंटिस्ट, क्योंकि डार्विन है ना वो एक प्राकृतिक वैज्ञानिक था जिसने ये कोशिश की थी बताने की कि क्रिएशन ऑफ प्लांट्स, कि ये जो पौधे हैं उनकी रचना है, एंड एनिमल्स थ्रू द कंसेप्ट ऑफ द एवोल्यूशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन, कि ये जो प्राकृतिक जो सिलेक्शन है और जो एवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है, जो ब्लेक का जो है ना विचार है, उससे है ना इन जानवरों की और पौधों की है ना क्रिएशन होती है, रचना होती है। हार्वर्ड इंस्पेंसर जो था उसने बाद में इसमें ये जोड़ा था कि आइडिया ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि है ना जो उचित है उसके जीवित रहने का ये विचार भी उसने इसमें ऐड किया था। और उसके हिसाब से ये जो विचार जो था वो ओनली दोज स्पेसीज, ये उन प्रजातियों के अंदर सुरक्षित रहा था पृथ्वी पर, दैट कुड एडप्ट देमसेल्व्स टू द चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस, कि जो है ना अपने आप को ये जो जलवायु की जो स्थिति हैं, परिवर्तित स्थितियाँ, उनमें अपने आप को जो सुरक्षित रख सके और उनको अपने आप को संभाल सके, तो उन प्रजातियों के लिए इन्हें इसने माना था। तो वी शुड बियर इन माइंड, तो हमें ये अपने मस्तिष्क में ये धारण करना चाहिए कि डार्विन नेवर एडवोकेट, कि कभी भी डार्विन ने इस बात की वकालत नहीं की थी कि ह्यूमन इंटरवेंशन इन व्हाट ही थॉट वाज ए प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन, कि ये जो सिलेक्शन का है ना नेचुरल प्रोसेस नहीं था, फिर भी उसके जो विचार थे वो यूज्ड बाय रेसिस्ट, लेकिन जातिवाद लोगों के द्वारा उनके विचारों को मान्यता दी गई। और जो नाजी आर्गुमेंट वाज सिंपल, और ये नाजी लोगों का जो तर्क था वो साधारण था। और स्ट्रॉन्गेस्ट रेस्ट, उन्होंने है ना स्ट्रॉन्गेस्ट रेस ही सबसे ज़्यादा मजबूत है ना इस जाति को बुड सर्वाइव, जीवित रहने का है ना उसने अधिकार माना। एंड द वीक वंस वुड पेरिश, और जो कमज़ोर वर्ग था उसको उसने है ना वहाँ से है ना दूर करने का है ना उसने प्रस्ताव दिया। आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट, और उसने आर्यन जाति को सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट माना। इट हैड टू द रिटेन इट्स प्योरिटी, तो ये उसकी शुद्धता को है ना रिटेन करता था, दबाता था।
बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेटेड द वर्ल्ड, और इस प्रकार है ना उसने है ना अपने आप को है ना डोमिनेट संसार के अंदर डोमिनेट और है ना स्ट्रॉन्गर है ना सिद्ध कर दिया था। अदर आस्पेक्ट ऑफ हिटलर आइडियोलॉजी, और हिटलर की जो विचार थे उसकी दूसरा भी जो विचार था कि टू द जियो पोलिटिकल कंसेप्ट ऑफ द लिवेंसरम ऑफ लिविंग स्पेस, कि जो है ना जीवित प्रजाति हैं उनका स्वतंत्र रहने का जो उसका विचार था, ही बिलीव जो ये विश्वास करता था कि न्यू टेरिटरीज कि जो नए टेरिटरीज हैं हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट्स, कि है ना नए नए क्षेत्र है ना हमें सेटलमेंट के लिए ना बसाने चाहिए, और दिस वुड एनहांस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री, और है ना अपने को जिस क्षेत्र में अपन पैदा है उसको मातृभूमि के रूप में है ना मानना चाहिए। तो वाइल एनेबलिंग द सेलेक्टेड सेटल्स, और जहाँ हम सेट हो जाते हैं और न्यू लैंड उन नई भूमि पर टू रिटेन एन इंटीमेट लिंक, तो हमें ना उसके साथ है ना गहराई से जुड़ जाते हैं विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, उस मूल स्थान के साथ। तो इट वुड आल्सो एनहांस, और ये इस बात को भी है ना एनहांस करता है बताता है कि द मेटल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन, कि जर्मन राष्ट्र की जो शक्ति है और उसके जो मेटल रिसोर्सेज थे उनके बारे में। हिटलर इंटेंटेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज, हिटलर ने जर्मन की सीमाओं को भी है ना बढ़ाने का विस्तार इरादा किया था बाई मूविंग इन ईस्ट वार्स, पूर्व की ओर बढ़ते हुए, टू कंसनट्रेट ऑल जर्मन जोग्राफिकली, और सभी जो जर्मन लोग थे उनको भौगोलिक दृष्टि से उनके संदर्भ में इन वन प्लेस एक स्थान पर। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन, और उसके इस प्रयोग के लिए उसने पोलैंड को अपनी लेबोरेटरी बनाया था। अब आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, एक रेशियल स्टेट की ना स्थापना। एक बार में ये शक्ति जो नाजीज है ना क्विक बिगिन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सप्लेस रेसिंग कम्युनिटी ऑफ द प्योर जर्मन्स, तो शुद्ध जर्मन की एक जातीय समुदाय को ये रचना करने का इनका जो सपना था उसको है ये पूरा करने के लिए ना नाजीज है ना वो तुरंत तैयार हो गए थे, शुरू हो गए थे बाई फिजिकली शारीरिक रूप से एलिमिनेटिंग ऑल दोज हू वर सीन एज अनडिजायरेबल, और उनको देखते हुए जो कह रहे अनडिजायरेबल लोग थे मतलब जो अनिच्छुक लोग थे उनको अपने आप से जोड़ते हुए एक्सटेंड एम्पायर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। नाजीज वांटेड ऑल सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, क्योंकि नाजी ये चाहते थे कि वो एक ऐसा समाज हो जो शुद्ध हो और हेल्दी हो स्वस्थ हो। दे अलोन वर कंसिडर्ड डिजायरेबल, और वो ये भी है कि जो डिजायरेबल हो इच्छुक हो। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ द प्रॉस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग ऑल अदर्स हु वर है ना क्लास्ड एंड अनडिजायरेबल, और है ना ऐसे जो अनिच्छुक व्यक्ति थे ऐसा जिनका वर्ग था उसके खिलाफ थे वो। इसका मतलब ये था कि दो जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर, कि वो जर्मन्स जो कि अपने आप को ना अशुद्ध देखे गए थे और या एबनॉर्मल या है ना एबनॉर्मल थे असामान्य थे, हैड नो राइट टू एग्जिस्ट, उनको है ना इस प्रकार से अस्तित्व आने का कोई अधिकार नहीं था। इस एंथोसिस प्रोग्राम, तो इस प्रकार का जो एंथोसिस प्रोग्राम कार्यक्रम था उसने हेलमट्स फादर एलोंग विद अदर नाजीज ऑफिशियल, तो जो हेलमट के जो पिता थे उन्होंने नाजी को है ना कंडम्ड टू डेथ मैनी जर्मन्स, इस प्रकार बहुत से जर्मन वासियों को है ना मृत्यु के घाट पर है ना उतार दिया था। हु वर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकल अनफिट, जो कि ना मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अनफिट थे। जूज वर नॉट ओनली कॉमनली क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल, और यहूदी थे वो न केवल समुदाय के वर्ग से है ना अनडिजायरेबल वर्ग से माने गए थे, देर वर अदर्स मैनी जिप्सीज एंड ब्लैक्स लिविंग इन नाजी जर्मनी, तो नाजी जर्मनी के अंदर बहुत सारे काले लोग भी रहते थे जिप्सीज भी रहते थे। जिप्सीज जो है ये ग्रुप होता है दैट वर क्लासीफाइड एट जिप्सी हैड देयर ओन कम्युनिटी आइडेंटिटी, जिनकी यानी खुद की समुदाय होता है और खुद की पहचान होती है, ऐसे व्यक्तियों को ना जिप्सी बोला जाता है। तो बहुत सारे जो जिप्सी थे हु थ्रेटन्ड द बायोलॉजिकल प्योरिटी एंड सुपीरियर आर्यन रेस,
जो अपने आप को श्रेष्ठ आर्यन जाति से मानते थे, देवर वाइडली प्रोसिक्यूटेड, उनको विस्तृत रूप से यानी प्रभावित किया था। इवन रशियंस एंड पोल्स, जिनको है ना रूसी और पोल्स के रूप में वर कंसिडर्ड है ना शुभमान एंड हैंस अंडर डिजर्विंग एनी ह्यूमनिटी, जैसा किसी भी मानवता को है ना वो डिजर्व नहीं करते थे। जूज रिमेन्ड द वर्स्ट सफर्स इन नाजी जर्मनी, जूज के साथ है ना नाजी जर्मनियों ने बहुत बुरा व्यवहार किया था। नाजी हेट्रेड ऑफ द जूज, क्योंकि नाजी लोग है ना वो यहूदियों को है ना घृणा करते थे और उनकी जो ट्रेडिशनल जो क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी थी उनको भी है ना वो घृणा की दृष्टि से देखते थे। दे हैड बीन स्टैब्ड एज ए किलर ऑफ द क्राइस्ट, क्योंकि उनको है ना क्राइस्ट के किलर के रूप में ना सेटोटाइप्ड किया था, मतलब उनको है ना बताया था कि ये क्राइस्ट के किलर्स के रूप में देखा गया था। एंड अनयूजर्स, और उनको है ना अनयूजर्स यानी गैर उपयोगी है ना माना गया था। 1933 से लेकर 1938 तक नाजी टेररिस्ट पॉपराइज्ड एंड सेग्रेटेड द जूज, तो नाजियों ने इन लोगों को बहुत ज़्यादा है ना टेररिस्ट यानी डरयुक्त भययुक्त बना दिया था। इनके साथ पॉपराइज्ड, इनको एब्सोल्यूट पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है ना इनको गरीब निसंदेह है ना गरीब से गरीब बना दिया था। द नेक्स्ट फेज, और इनका जो अगला जो फेज था कि इनको है ना देश को छोड़ने के लिए है ना इनको बाध्य कर दिया था। और 1939 से लेकर 1945 तक एम्ड एट कंसंट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरियाज एंड इवेंचुअली किलिंग देम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड, और बाद में इनको है ना पोलैंड के अंदर गैस चैम्बर के अंदर भी है ना वो एक मारने की घटना को भी इन्होंने जन्म दिया था। अब रेशियल उटोपिया, रेसिपल उटोपिया के बारे हम जानते हैं कि अंडर दिस द शैडो ऑफ वार, कि इस युद्ध की पृष्ठभूमि के तहत नाजीज प्रोसीडर द रियलाइज देयर मर्डर्स, के उन्होंने जितने भी मर्डर किए थे नाजियों के द्वारा उन्होंने उनको मुक्त नहीं किया था। एक रेशियल आइडियल, उन्होंने एक जातीय आदर्श, एक जेनोसाइड एंड वार बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, कि ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह है, ये दोनों साइडों से है ना इनके अंदर है ना एक तरह से युद्ध का है ना वातावरण बन गया था। ऑक्यूपाइड पोलैंड, और पोलैंड पर जो कब्जा कर लिया गया था वो उसको डिवाइडेड अप, उसको है ना बांट दिया गया। मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड, और उत्तरी जो पश्चिमी पोलैंड का जो अधिक भाग था वो अनेक्स्ट टू जर्मनी, वो जर्मनी के लिए छीन लिया गया था। और पोल्स पर फोर्स टू लीव देयर होम्स, और जो पोलवासी थे पोलैंड के निवासी उनको अपने घरों के लिए छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था। प्रॉस्पर उनकी जो प्रॉपर्टीज थी बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया था एथिक जर्मन जर्मन के द्वारा, और ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप, और इस प्रकार धीरे धीरे है ना यूरोप का भी है ना कब्जा करना शुरू कर दिया था।